हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका क्लास सेवन्थ में, चैप्टर फाइव है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। हमने ब्रेन टीजर स्टार्ट की हुई है। ब्रेन टीजर में क्वेश्चन नंबर सिक्स है, अ स्टूडेंट नीड्स टू स्कोर एटलीस्ट 30% मार्क्स टू पास अ टेस्ट। इफ़ अ स्टूडेंट गेट्स 135 मार्क्स एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि कोई एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में अगर किसी बच्चे को पास होना तो उसको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, 30% परसेंटेज में, मतलब वो कितने होने चाहिए, 30% 100 में से 30%। इफ़ अ स्टूडेंट गेट्स 135 मार्क्स, एक ऐसा बच्चा है जिसको 135 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स, लेकिन वो जो बच्चा है वो देखो 135 मिलने के बाद भी वो पास नहीं हुआ, वो फेल हुआ है, लेकिन कितने नंबर से फेल हुआ है, 15। अब आप ये सोच के देखो, अगर उसको 15 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। मतलब मिनिमम मार्क्स कितने हैं पास होने के लिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, 135 से पे तो वो फेल था, लेकिन अगर उसको 15 नंबर 15 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, ये 150, ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, 150। अब आप यहाँ से देखो, और वैसे इन्होंने बताया कि जो मिनिमम मार्क्स पासिंग मार्क्स है परसेंटेज में वो कितने हैं, 35 मिनिमम पासिंग मार्क्स वो कितने हैं, 30% है, ठीक है। ये तो परसेंटेज में मुझे पता है कि कितने मिनिमम कितने होने चाहिए, 30%, और ये मुझे पता है मतलब नंबरिंग काउंटिंग में कितने होने चाहिए, 150। अब आप यहाँ से देखो, हमें फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट, कि जो टेस्ट है वो कितने नंबर का था, ठीक है, हमें तो नहीं पता, तो हम यहाँ लेट करेंगे, लेट मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट, कि जो वो टेस्ट हुआ उसमें जो मतलब कितने नंबर का था, मैक्सिमम कितने मार्क्स का था, तो हम उसको लिख लेते हैं एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स है और ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। मतलब ये जो 30% है वो किसके बराबर है, 150 के, लेकिन कभी भी परसेंटेज और न्यूमेरिकल वैल्यू को इक्वल नहीं रख सकते। मुझे निकालना पड़ेगा 30% किसका, टोटल चीज़ का, 30% ऑफ एक्स, तब हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। 30 की जगह 30 परसेंटेज को रिमूव करेंगे, अपॉन में 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू 150। अब मुझे यहाँ से जो एक्स है, मैक्सिमम मार्क्स हैं जो, वो उसकी वैल्यू निकालनी है। 30/100 है तो ये यहाँ के 100 ऊपर जाएगा और 30 जाएगा नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3 3 5 15। एक्स की जगह हमारे पास आएगा, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500। मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम पासिंग मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स नहीं, मैक्सिमम मार्क्स हैं 500, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवन, अ मैन बोट कार्डबोर्ड शीट फॉर रुपी 3600। कोई एक पर्सन है, उन्होंने कार्डबोर्ड वाली जो शीट है वो खरीदी है, कितने रुपीस में खरीदी हैं, 3600, एंड स्पेंट ₹100 ऑन ट्रांसपोर्ट। जब वो उनको लेके आया, ट्रांसपोर्ट से लेके आया, तो उसके ऊपर कितना खर्च आया, 100 रुपीज़ का। पेइंग ₹300 फॉर लेबर, लेकिन देखो, अब उन्होंने कार्डबोर्ड से उन्होंने बॉक्सेस बनवाए, ही हैड 330 बॉक्सेस मेड, उसने बॉक्सेस बनवाए, तो जिनसे बनवाए उनके लिए उन्हें लेबर के चार्जेस दिए हैं 300, विच ही सोल्ड एट ₹14 ईच, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखो, पहले आपको मैं क्लियर कर दूँ, सबसे पहले वो कार्डबोर्ड लेके आया 3600 के, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस आया 100, लेबर चार्जेस उस पर आए हैं 300। अब आप ये देखो, आपको सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। आप ये बताओ, कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, क्या ये सिर्फ 3600 आएगा, नहीं, हमने ये देखा था कि हमारा एक्चुअल सीपी हमें निकालने के लिए उसमें जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं वो भी ऐड करने होते हैं, मतलब ये भी खर्च ही है, तो 100 जो ट्रांसपोर्ट है वो भी इसी में ऐड होगा, लेबर के जो 300 है वो भी इसी में ऐड होंगे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस बनेगा रुपी 3600 में 100 ऐड करेंगे 37, और 300 और ऐड कर देंगे तो 4000, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो है हमारा 4000, ठीक है। अब उन्होंने देखो, टोटल बॉक्सेस बने हैं 330, विच ही सोल्ड एट ₹14 ईच, उसने हर एक बॉक्स को 14 में बेच दिया है,
तो सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे उसके लिए। देखो क्या है, एक बुक्स का तो सेलिंग प्राइस है 14, लेकिन मुझे टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है, तो उसके लिए मैं 330 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि टोटल के लिए जितने बॉक्सेस टोटल है उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 0, 4620, ठीक है। ये सीपी है, ये एसपी है, मुझे बताना है फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो मुझे इसके लिए पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। देखो टोटल जो खर्च आया वो तो है फोर थाउजेंड सारा खर्च हुआ था, लेकिन वो जो बॉक्सेज हैं वो टोटल कितने में सेल हो गए, 4620 में। तो ये हमारा बड़ा तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल प्राइस में से जो स्टार्टिंग वाला होता है वो माइनस करना पड़ता है, मतलब एसपी माइनस सीपी, 4620 माइनस 4000, तो ये कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा हमारे पास 620, ठीक है। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट है 620 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 4000, और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 100, 1 2 3 1 2 3, 3 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, नहीं हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास आता है 31/2%, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 31 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारा बनेगा, ये 15 को आगे लिखेंगे इनटू 1/2। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आता होगा, जो क्वोशेंट होता है उसको आगे लिखते हैं, जो नीचे रिमाइंडर है नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 15 × 1/2%, इतना हमें प्रॉफिट हुआ इसमें क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है, सिर्फ एक स्टेटमेंट राइट करके दे दिया जो एस पी सी पी दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो इन्होंने क्या बोला है, सेलिंग प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ का मतलब होता है इज़ इक्वल टू, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 3/4, 3/4 ऐसे लिखते हैं 3/4 को, 3/4 ऑफ इट्स सी पी, यहाँ पर क्या आएगा सी पी, ठीक है। इन्होंने बोला है जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 3/4 ऑफ सी पी, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ही है यहाँ पर, वो ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ना तो सी पी पता है ना ही एस पी पता है, दोनों में से कोई चीज़ नहीं पता है, तो हम यहाँ से सबसे पहले लेट करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं निकालूंगी कि तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, सेलिंग प्राइस मुझे पता है वो 3/4 ऑफ सी पी है, ऑफ सी पी, सी पी में हमारे पास एक्स है, तो ये आ जाएगा 3/4 ऑफ एक्स, कॉस्ट प्राइस है एक्स और सेलिंग प्राइस है 3/4 ऑफ एक्स। अब इन्होंने बोला फाइंड व्हाट इज़ लॉस परसेंटेज, तो मुझे लॉस निकालना है। लॉस के लिए देखो, लॉस कब होता है, जब कोई चीज़ खरीदी ज़्यादा रुपीज़ में जाए और वो बिक जाए कम प्राइस में, ठीक है। मतलब यहाँ पर आएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जब भी लॉस होता है मतलब उसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, तो बड़े में से ही छोटा माइनस होता है, एक्स में से माइनस होगा 3/4 ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 LCM, 1 की टेबल में 4 आता है 4 पे, तो यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम, 3x में से 4x में से 3x माइनस होगा, मतलब 1x, एक्स बाय 4 ही लिखेंगे, 1x को भी ही लिखते हैं। अब मुझे लॉस परसेंटेज निकालनी है, इसका फॉर्मूला होता है लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस कितना है, एक्स बाय 4 अपॉन में, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, एक्स और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, एक्स बाय में 4 है, ठीक है, इसको मैं एक्स बाय 1 भी लिख सकती हूँ, जब भी अपॉन और अपॉन वाली चीज़ हो तो एक्स बाय 1 जब भी उल्टा होगा तो इसका बन जाएगा 1/x, ठीक है। जब भी डिवीज़न से मल्टीप्लाई मिलाते हैं जो नीचे वाला नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ से आ जाएगा 25% इस पर क्या हो जाएगा, लॉस। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम बी 3/4 ऑफ द प्रिंसिपल एट 6% पर एनम। अब यहाँ ध्यान से देखिए, दिया हुआ क्या है, इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में, मतलब टाइम तो हमें दे नहीं रखा है, ठीक है।
विल द सिंपल इंटरेस्ट ओन अ सर्टेन सम, देखो यहाँ इन्होंने क्या बोला है, कंडीशन है देखो, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट ओन अ सर्टेन सम बी, ये कितना होगा, 3/4 ऑफ द प्रिंसिपल, 3/4 ऑफ प्रिंसिपल, अब यहाँ से देखें, इन व्हाट टाइम, आपको बताना है टाइम, और ये कंडीशन थी, हमने इसको ऐसे लिख लिया है। अब आप यहाँ देखो, सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड कर रहा है प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, हमें इस क्वेश्चन में ये भी नहीं पता कि प्रिंसिपल कितना है, तो मैं यहाँ लिखूँगी लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपी पी, ठीक है। रेट, प्रिंसिपल रेट टाइम हमें ये पता होने चाहिए, और टाइम रेट यहाँ पर दी हुई है 6% पर एनम, और इन्होंने बोला इनवर्ट टाइम, मतलब टाइम तो हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे लेट टाइम इज इक्वल टू टी ईयर्स, ठीक है, ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। अब आप देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 3/4 ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब 3/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और प्रिंसिपल कितना है पी, तो यहाँ पर आ जाएगा पी। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिख रही हूँ, सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास आ जाएगा 3/4 ऑफ पी, मल्टीप्लाई में लिखना है तो मल्टीप्लाई में लिख लो। अब आप देखो, मैंने बोला था कि जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ हो, तो आप सिंपल इंटरेस्ट की जगह उसका फॉर्मूला पुट कर दोगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100, एंड दिस इज इक्वल टू 3/4 ऑफ पी, ठीक है। अब जो भी वैल्यू आपको पता, आप उस यहाँ पर डाल लो, प्रिंसिपल की जगह पी ही लिखना है क्योंकि वो लेट किया था, रेट हमारे पास है 6 और टाइम हमें निकालना है, तो उसकी जगह टी ही आएगा, और यहाँ से अपॉन में आएगा 100 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ पी। अब मुझे यहाँ से टाइम निकालना है, मतलब टी को तो लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, और जो भी कुछ बचा हुआ उसको हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड, टी को यहीं पर रखेंगे 3/4 ऑफ पी। ये पी और 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे, नीचे, पी मल्टीप्लाई 6, और 100 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब इसको कैंसिल करो, पी से तो पी कैंसिल होगा, ठीक है, और कैंसिल करो, 3 1 3, 3 2 6, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 50 पे कैंसिल होगा, 4 और 50 को 2 से कैंसिल करो, 2 2 4, 2 5 10, और यहाँ से 2 2 4, तो यहाँ से आता है 25/2 ईयर्स, ठीक है। इन्होंने पूछा था आपको टाइम बताना है कि कितने इनवर्ट टाइम, ठीक है, तो इतने ईयर्स आए हैं। अब आप इसको क्या करोगे, या तो आप पॉइंट में कन्वर्ट करो या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ से आएगा 12, और ये नीचे वाला 1 ऊपर, और ये जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे, 12 × 1/2 ईयर्स, ठीक है। आपकी बुक में इसके पीछे परसेंटेज लिखा हुआ है, लेकिन टाइम पूछा गया है, तो टाइम तो ईयर्स में होगा, परसेंटेज नहीं होगा, वहाँ से हटा के ईयर्स लिख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ ₹8,000 अमाउंट टू ₹9,260 इन 3 × 1/2 ईयर। देखो वो बोल रहे हैं एट व्हाट रेट परसेंट, मतलब रेट निकालनी है, रेट तो है नहीं हमारे पास। अब आप देखो, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करते हो, आपके पास प्रिंसिपल होता है, रेट होती है, टाइम होता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है विल अ सम ऑफ ₹8,000 अमाउंट टू ₹9,260 कि 8,000 रुपी किस रेट से 9,260 हो जाएंगे, मतलब स्टार्टिंग में यह है, तो प्रिंसिपल तो हमारे पास दिया हुआ है 8,000, ठीक है, और कितने टाइम में, 3 × 1/2 ईयर्स में, और वो कितने हो जाएंगे, जो मनी है वो इतना हो जाएगा, और फाइनल मनी को हम बोलते हैं अमाउंट, ठीक है, वो कितना है रुपी 9,260। अब यहाँ मुझे रेट निकालने हैं, तो रेट को मैं लेट करूँगी, लेट रेट इज़ इक्वल टू आर परसेंट पर एनम, ठीक है। अब आप ये देखो, आपको प्रिंसिपल भी दिया और अमाउंट भी दिया है, तो आप देखो 8,000 रुपीज़ 9,260 हो गए हैं, तो मतलब मुझे यहाँ से पता चल गया कि कितना एक्स्ट्रा मनी हमें यहाँ मिला है, मतलब इंटरेस्ट कितना लगा उसे, 8,000 रुपये थे वो 9,260 रुपये बन चुके हैं, मतलब कितने एक्स्ट्रा हो गए। जो एक्स्ट्रा होता है भाई हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, आप अमाउंट में से माइनस कर दो प्रिंसिपल, 9,260 में से 8,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा रुपी 1,260, ठीक है। आपके पास ये आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपके पास 1,260 रुपीज़। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये आपके पास है 1,260। अब इसमें वैल्यू डालो जो भी आपको पता है, प्रिंसिपल 8,000 है,
रेट हमें निकालनी है तो आर ही आएगा। टाइम है आपका 3 × 1/2, 2 × 3 = 6 + 1 = 7/2 ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 7/2 ईयर्स अपॉन में 100 = 1260। अब मुझे यहाँ से इस आर की वैल्यू निकालना है, तो आर को तो लेफ्ट में ही रखेंगे और सब कुछ कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड। 100 और 2 तो ऊपर आ जाएंगे और 8000 और 7 नीचे, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो, जितना कैंसिल होता है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। इसको और कैंसिल करेंगे, यहाँ से 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, तो 5 बचेंगे, 7 8 ज़ा 56, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ से आता है 9/2%, ठीक है। इसका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, तो ये बनेगा 4, 1 ऊपर जाएगा और 2 आएगा नीचे, 4 × 1/2%, ठीक है, पर एनम। इतनी रेट से हुआ है ये। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।